हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी तथा गन्ने के मूल्य घोषित नहीं किए जाने और किसानों को खाद नहीं मिलने के विरोध में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भोगपुर में पदयात्रा निकालकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और गन्ने के मूल्य घोषित न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र भोगपुर गांव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने दल बल के साथ पहुंचे और भाजपा सरकार के विरुद्ध पदयात्रा निकालकर एक सभा को संबोधित किया। पदयात्रा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतपाल ब्रह्मचारी, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष राजेश रस्तोगी, नगर लक्सर कांग्रेस अध्यक्ष देवेश राणा, मास्टर कुशल पाल सैनी, मास्टर जगबीर सिंह, तलसीम अहमद, गुलशन अंसारी, आदित्य राणा, अर्जुन सिंह आदि वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ हरीश रावत ने भोगपुर की गली गली में ढोल बाजों के साथ पदयात्रा निकाली और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनका जगह जगह पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। पूर्व प्रधान भोगपुर सत्येंद्र द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ ये पदयात्रा कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ तक कि उनको अपने गन्ने का मूल्य तक अभी तक घोषित नहीं किया गया है। यह सरकार की घोर लापरवाही है। किसान को जरूरत पर अपना गन्ना कम मूल्य पर चरखियों में बेचने पर विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने 3 कृषि कानून वापसी पर कहा कि यह किसानों की जीत है। 365 दिन से अधिक समय तक चल रहे इस आंदोलन में जो सैकड़ों किसान शहीद हुए हैं, इन कृषि बिलों की वापसी का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी को भाजपा सरकार से मुकाबला करना है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाकर आने वाले 2022 के चुनाव में इसको उखाड़ फेंकना होगा। वहीं पदयात्रा के दौरान एक मासूम बच्चा 8 वर्षीय अचानक घर से बीजेपी पार्टी का झंडा लेकर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा के सक्षम खड़े होकर भाजपा का झंडा लहराने लगा, जिसको देखकर कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व अन्य नेतागण भी स्तब्ध रह गए। महंगाई और बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है और उधर गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर रहे हैं, खाद मिल नहीं रही है, किसान पस्त हालत है, ये इन सब मुद्दों पर। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।